दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों अहिंसा परमो धर्म गांधी जी के कारण दुनिया में बहुत ही मशहूर है। तो फ्रेंड्स आवर टॉपिक टुडे इज नॉन वायलेंस। वैसे तो दुनिया के सभी रिलीजन हमें नॉन वायलेंस ही सिखाता है। तो लिसनर्स आज की हमारी लैंग्वेज देखा जाए तो फाइट द कैंसर वॉर अगेंस्ट द मीडिया शूट एट साइट। आपको नहीं लगता कि हमारा रोज बरोज का व्यवहार ही हिंसक शब्दों से जुड़ा हुआ है? और फिर ये जो हम सोचते हैं कि हिंसा यानी मारना, तो क्या हिंसा का मतलब यही शब्द तक सीमित है या फिर और भी कोई मीनिंग है? असल में हिंसा किससे कहते हैं ये हमने कभी जाना है? चलिए पाते हैं सच्ची समझ हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। अरविंद कर्नाटक, क्या प्रश्न है? फिश चिकन मैं खाता हूँ, आप खाने को मना करते हैं, तो क्यों मना करते हो? फिश चिकन खाते हो, अच्छा लगता है। और चिकन छोटा बच्चा रहता है ना मुर्गी का, कभी पकड़ा है आपने? नहीं। टमेटो काटने में अच्छा लगता है ना? टमेटो काकड़ी काट सकता है ना? चिकन काट सकता है आप? मछली काटेगा? ओ, मगर उसको कितना दुख होता है। नहीं, चिकन पकड़ने जाएंगे तो भागता नहीं है? भागता है ना? तो उसकी मम्मी को कितना दुख होएगा उसके बच्चे को मार डाला तो? दुख नहीं होएगा? नहीं। अभी आप भी इतने छोटे हो तो आपकी मम्मी है ना, तो आपको कोई मारेगा तो मम्मी को दुख होता है कि नहीं? आपको मारेगा दुख लगता है आपको? तो किसी को मारने से अच्छा है कि नहीं मारना अच्छा है? तो चिकन को कितना दुख होता है, मछली को कितना दुख होता है, उसके माँ बाप को कितना दुख होएगा? और ये खून निकलता है तो अच्छा लगता है? नहीं। तो खून बच्चे वो जब मरता है तो कितना खून निकलता है उसमें से, वो नहीं खाना चाहिए। अंडे में भी एक जीव है, किसी जीव को नुकसान करके, हाँ दूसरे का दूसरा बहुत सारा खाना मिलता है, वो आराम से खाओ, ये खाने में तो बहुत नुकसान होता है। आवरण आते हैं, जीव को कितना दुख होता है, भय के परमाणु हमारे शरीर में जाएंगे, दुख के परमाणु जाएंगे, वेदना के परमाणु जाएंगे। हाँ नहीं खाना चाहिए। हाँ दादा भगवान के पास शक्ति मांगना, घर में भी मम्मी को बताना, मम्मी आई है क्या आपकी? मम्मी को बोलने का ऐसा नहीं बनाओ, फर्स्ट क्लास वेजिटेरियन डिश बनाओ, इडली सांभर कर्नाटक में तो बहुत अच्छा मिलता है। इडली अच्छी लगती है ना? इडली सांभर अच्छा लगता है ना? वो खाने का, हाँ वो नहीं, जिंदा चीज नहीं खाने की। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं अहिंसा की। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब सांस भी लेते हैं तो कितने जीवों की हत्या कर देते हैं? तो क्या संपूर्ण अहिंसक रहना संभव है? कई बार जब हम फार्मिंग और गार्डनिंग में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो क्या ये भी हिंसा है? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? क्या हमें कोई भी जीव को मारने का हक है? कैसे ये मॉडर्न वर्ल्ड में अहिंसक होके जिए? अगर हम हिंसा का स्वरूप समझे तो ही अहिंसा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सच्ची समझ ले हमारे करुणा सभर आत्मज्ञानी से। एक दीपक भाई ये पूछना था, जो फसल बोते हैं ना तो उस टाइम जो नुकसान वो जीव मरते हैं, तो वो ऐसी फसल बोना चाहिए कि जीव कम हिंसा हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए? छोड़ो फसल आप करने वाले हो कि दूसरे की फसल की बात कर? वो खेत में करते हैं ना फसल में जंतुनाशक दवा डालते हो? हाँ वो डालते हैं। ओ, उस दिन बैठ के प्रतिक्रमण करो कि हमें क्यों ये गलत काम करना पड़ता है। उस दिन 15 मिनट आधा घंटा माफी मांगो, कोई जीव की हिंसा नहीं करनी है, ये मेरे भाग्य में धंधा क्यों आया, माफी मांगता हूँ, ऐसे मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। मैं तो नहीं करता हूँ, भाई साहब और वो करते हैं तो। मगर उनके लिए प्रार्थना करो कि भाई साहब को अच्छा धंधा मिले और ये हिंसा का व्यापार में से छूटे, किसी को नुकसान ना करे, ऐसे ही उनको शक्ति मिले। उन्होंने ज्ञान लिया है क्या? हाँ वो आते तो उनको भी बताना। कभी आए हैं क्या इधर? आए सत्संग में, अभी आए हैं। हाँ है ना। तो उनको बैठने का एक घंटा और सब लोग घर में बैठ के प्रतिक्रमण करो उस दिन। आप भी बैठो क्योंकि आप वो फसल के पैसे तो खाते ही हो ना, भागीदार तो है सबके।
पर भावना करने की, किसी जीव की हिंसा होती है हमारा जिम्मेदारी आती है, प्रतिकरण से सेफ साइड हो जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अहिंसा की, नॉन वायलेंस की। हमने कई बार सुना है कि जीवो जीवस्य भोजनम, हम सब जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो नॉन वेज खाने में क्या हर्ज है? और कई बार ये भी सवाल होता है कि ये ट्रीज फ्रूट्स हम खाते हैं वो भी लिविंग है ना, पानी हम पीते हैं उनमें भी जीव रहते हैं, तो क्या हमें खाना पीना छोड़ देना चाहिए? उनको खाना लाजमी है, सोच में पड़ गए ना। चलिए पाते हैं सही समझ हमारे अगले सेगमेंट में। सोमेन, हाँ सोमेन दत्ता बोलिए। हमारे घर में सब मांसाहारी है, हमारे लिए तो अलग से पकाते नहीं, तो जो मांसाहारी खाना पकाता है उसमें से हम सब्जी खा लेते और मांस तो नहीं खाते, तो इसके लिए क्या हम लोगों को प्रतिगमन करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा, और जितना हो सके उतना धीरे धीरे निकल जाओ, भावना करो कि दादा भगवान ये छूट जाए ऐसी कृपा करो। और कोई देखो ना, एक चिकन को आप पकड़ने जाओ तो भागता है क्या? मछली को पकड़ने जाओ तो भागती है कि नहीं? हाँ भागती। उसको जीना पसंद है कि मर जाना पसंद है? जीना पसंद है। और जीना पसंद है उसको, एक आपको एक सुई लगाई तो दुख लगता है कभी? हाँ। तो उसको छरी लगाएगी कितना दुख लगेगा? बहुत दुख लगता है उसको, भय लगता है, मरने का बहुत दुख है, वेदना है उसको। उसको माँ के हमारे जीना के लिए हम खाना खाए उसकी, उसके मतलब कितनी सारी सब्जियां, कितनी सारी दाल, कितने राइस, कितनी मिलती है आइटम। हम भावना करो कि अभी अभी ये हिंसा छूट जाए तो अच्छा है। हाँ, और धीरे धीरे घर में भी सिखाओ कि भाई एक आध दिन ये करो, एक दिन ये करो, ये तो दो अलग बनाओ, आपको जो खाना है बनाओ और थोड़ा सब्जी ऐसी बनाओ कि मैं भी खा सकूं। मुझे बोलो दर्द होता है, मजा नहीं आती है, तबीयत बिगड़ जाती है मेरी, कुछ उपाय करके निकल जाओ। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज की हमारी हिंसा अहिंसा की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सोचते हैं कि आज वायलेंस कहाँ नहीं है, हमारे बर्तन में, हमारे खाने में कहाँ नहीं है। तो आप ही सोचिए इस युग में हम अहिंसा को कैसे अपनाएं। चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। ये लोगों का जो भोजन है शुरू से बचपन से जो मीट खाते हैं लोग, सब कुछ खाते हैं, पर जब कभी वर्ल्ड में कोई कहाँ भी डिजास्टर होता है, ये सबसे आगे दान देने में, उनकी हेल्प करने में आगे होते हैं। हाँ तो क्या दोनों चीज अलग है? आप दोनों कर्म हुए, आप मीट खाते हो और आप दान करते हो, एक हिंसा का कर्म है और दूसरा दान का कर्म है, दोनों कर्म तो है ना, अलग अलग है, दोनों के फल अलग अलग मिलते हैं। दान का कर्म आपको पुण्य मिलेगा और किसी की जान दे के खाए अपने शौक के लिए। इन तो लोगों को पता ही नहीं है कि जे हम जो मीट खाते हैं किसी की जान लेते हैं। मैंने कई इंग्लिश लोग, हाँ तो इसीलिए हम वही तो बोलते कि इनको इतना डेवलपमेंट ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, वो भी उनको पता नहीं चलता है। आप उसको बोलो कि तू ये तेरे हाथ से काऊ को मार और फिर उसका मीट खा, खाएगा? मार सकेगा? नहीं मार सकेगा। तो फिर क्या राइट है आपको खाने का? आपका हार्ट जो एक्सेप्ट नहीं करते हो किस तरह से कर सकोगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक और तो जो काफी बहुत मीट वगैरह खाते हैं तो बहुत पाप करते हैं, दूसरी तरफ जे मिक्स है, दोनों हो सकता है ना, पाप भी होता है पुण्य भी होता भी है, करते हैं। हाँ, राजा लोग रहता है ना, तो देखो ना राज में कितना अच्छा राज चलाता है, अपनी प्रजा को कितना सुख देता है, तो पुण्य करता है, और युद्ध करता है तो दुश्मन को कितने लोगों को मार भी देता है, दोनों होता है ना, वहाँ पाप भी होता है और यहाँ पुण्य भी होता है। आप भी कितना दोनों करती हो, पाप भी करती हो और पुण्य भी करती हो, नहीं करती हो? तो दोनों है, ये आपने को एक्सट्रीमिटीज दिखती है इसलिए ऐसा लगता है, बाकी ये तो आप पुण्य तो सबसे होते हैं, दोनों होते हैं ना, और दोनों का फल अलग अलग, प्लस माइनस नहीं होता है। पुण्य पाप का अलग फल भुगतना पड़ता है, पुण्य का फल अलग भुगतना पड़ता है, छोड़ता नहीं है कोई। वही उनकी लॉजिक नहीं समझ में आती, वो पेट को कितना अच्छा लगते हैं, उसके ना उसके उस मरने के बाद उसके ना मिलियन सब पाउंड डील करके जाते हैं, इतना इतना संभालते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा उसको संभालते हैं, और इधर देखो तो मार के खाते भी है, कॉन्ट्राडिक्शन लगती है ना, लॉजिक ही नहीं है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अहिंसा की, नॉन वायलेंस की। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि डे टू डे एक्टिविटीज में जाने अनजाने में हम कितनी हिंसा करते हैं? जब हम फूल तोड़ते हैं या फिर बिना सोचे समझे पेड़ को काटते हैं, तो इन निर्दोष जीव की हत्या के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमें पता भी है? सोच में पड़ गए ना। तो ये हिंसा और अहिंसा दोनों द्वंद से हम ऊपर कैसे उठे?
चलिए सुनते हैं ऐसी सभी सवाल और उसके जवाब हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। बहुत ज्यादा उस तरह का है कि अभी पूछ लेना चाहिए ऐसे लगता है हमको, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे चलता है पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, तो नेशनल पॉपुलेशन के रूल्स हैं कि 3 मंथ्स तक आप एबॉर्शन कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए क्योंकि कितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आए हैं जैसे सबका ही फेलियर रेट है, तो इतना फेलियर रेट होने के बाद भी इतने सारे लोग एबॉर्शन कराते हैं, 3 मंथ्स से 3 महीने से पहले पहले का अबॉर्शन कानून ने बना दिया कि कर सकते हैं ताकि पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़े, या किसी घर में 3 बच्चे पहले ही है जो था नहीं चाहता, तो वो कितना पाप कराने वाले को लगता है, करने वाले को लगता है, या जो हो गया उसका कैसे प्रतिक्रमण करें और इसका कैसे। आप डॉक्टर हैं? हाँ। तो आपको एबॉर्शन करना पड़ता है बीच में? अब जैसे ज्ञान कर लिया है उसके बाद नहीं करेंगे, पर पहले जो किया है जैसे उसका कैसे करें। निरुमा भी डॉक्टर थे, गायनोकोलॉजिस्ट। हम भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो निरुमा को दादाजी ने पहले ही चेतावनी दी थी, कोई भी एबॉर्शन का काम आप नहीं करने का, दूसरे को दे देने का, आप मत करो। अच्छा। निरुमा पहले से एक भी एबॉर्शन का काम उन्होंने किया ही नहीं। हाँ। क्योंकि मनुष्य की 3 महीना हो या 3 दिन हो या 3 घंटा हो, मनुष्य जन्म मनुष्य बीज है। देखो 2 साल के बच्चे को मारे तो पाप लगता है, तो 2 साल के पहले 1 साल वाला होगा तो भी बच्चा है ना, उसका भी पाप लगेगा, आधा लगेगा। 1-2 साल वाले को मारो और 1 साल वाले को मारो, आधा लगेगा कि सरीखा ही लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा, तो 2 साल के बदले 1 साल वाले को मारने से भी पाप तो लगता ही है। हाँ। तो 1 साल के बदले 6 महीने वाले को मारो तो कम तो, लगता जाएगा। तो फिर वो गर्भ में भी जब से गर्भ धारण होता है तब से जन्म जीव आ ही जाता है और जीव की हत्या हो ही जाती है। आप दूसरा संयम रखो, सचमुच तो ये बर्थ कंट्रोल सिखाने के बदले ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने का सिखाना चाहिए था दुनिया को। तो नॉर्मलिटी आती थी, विषय विकार में नॉर्मलिटी आती थी, आदमी को कोई भी प्रकार का सुख है ही नहीं, इसके लिए विषय सुख में गिर जाता है। जैसे जलेबी खाएगा तो चाय उसको फिक्की लगेगी, तो दूसरा कुछ अच्छा सुख दो उसको तो विषय सुख कम लगे उसको। जैसे हमने तो इस भाव से किसी का किया, मान लो उसके 3 बच्चे हैं ऑलरेडी, रो रहे कि सब और नहीं चाहिए हमको, कैसा करो, तो पाप तो हमें तो लगेगा ही, उसका लगेगा ही लगेगा। है? गर्भपात कराता है। हाँ। करता जो जिसको जिसकी माँ है जो बच्चे गर्भ में है और माँ ने करवाया तो माँ को बहुत बड़ा पाप लगेगा, और जो डॉक्टर करते उसको भी अमुक हिस्सा तो आएगा, 10%, 15%, 25%, डिपेंड्स अपॉन कितनी इसकी इंटेंसिटी है। तो प्रतिक्रमण कितना पैसा करना होगा, कितना करना होगा तो करो। हाँ। दिल से पश्चाताप 1 घंटा बैठ के करते रहो, जब भी याद आ गया प्रतिक्रमण करते रहो। कभी भी भाव नहीं रहा पर कर्म तो हुआ ही है ना। एक बहन जी एक डॉक्टर थी, उसने तो क्या किया, भाई आपको बच्चा नहीं चाहिए, अभी एबॉर्शन मत कराओ, बच्चे को जन्म दो, और दूसरी संस्था वाले को ये बच्चा दे देती थी, जिसको नहीं है उसको बच्चा। अभी यही करते हैं हम, तो ये जिसको नहीं है उसको बच्चा मिल गया। हाँ हाँ। बच्चे की हिंसा नहीं हो गई और माँ का बच्चा दूसरी जगह पालन पोषण हो गया। अभी तो यही करते हैं, यहाँ पे अडॉप्शन सेंटर है दिल्ली में, तो हम जो भी आता है उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद पैदा करा के अडॉप्शन सेंटर भेज देते हैं, तो उससे 3 जनों का फायदा होता है, डॉक्टर का पाप नहीं लगा, जिसने कराना था उसका पाप नहीं लगा, और बच्चे की भी जिंदगी बच गई, और जिसके घर में 4 जनों का, जिसके घर में गया उसके घर में खुशी हुई। तो अभी सबको यही मैसेज देने का है, जिनके भी कभी अबॉर्शन की इच्छा हो तो नहीं कराएं और उसको कंटिन्यू करें, नहीं चाहिए तो उसको पैदा करें। बराबर है, मगर वो अभी आप बहन जी से मिल लेना, आप तो पुत्रियों बैठी है उधर, दोपहर के बाद थोड़ा उनके पास समझ लो प्रतिक्रमण कैसे करना। ठीक, जय सत्य। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों चलो आज से ये अवेयरनेस के साथ जिए कि हमारे माइंड स्पीच और एक्शन से किसी जीव को कभी दुख ना हो ना हो ना हो, और अगर भूल से अनजाने में हो जाए तो माफी मांग ले सच्चे दिल से। जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद।